वीर भव दिवस मनाउण दे प्रधानमंत्री मोदी दे फैसले ते इतराज जिहड़ा शुरू हो चुका है। एसजीपीसी दे प्रधान तो बाद हुण तखत श्री अकाल तखत साहिब दे जथेदार ने भी पीएम दे फैसले ते सवाल चुके ने ते कहा है कि यह शब्द सिख भावनावां दी तर्जमानी नहीं करता, अजिहे फैसले लैण तो पहला सिख संस्थावां नूं पुछणा जरूरी है। इस दिन नूं जिहड़ा मनाउण दे लई नां रख्या है वीर बाल दिवस, यह सिख भावनावां दी तर्जमानी नहीं करता है, सिख भावनावां दी तर्जमानी नहीं करता। यह नाम जिहड़ा है इस दिन नूं मनाउण वास्ते वह रख्या जाना चाहिए जिहड़ा सिख भावनावां दी तर्जमानी करता है, यह नाम नहीं ठीक। असीं चाहुंदे हां इतिहास पढ़ाया जाए और सही इतिहास पढ़ाया जाए। असीं भारत सरकार नूं कहना चाहांगे कि जदों भी इस तरह के फैसले लैने होंगे है तो सिख संस्थावां साडियां मौजूद ने भारत की धरती दे, इन्हां नाल मशवरा जिहड़ा है सलाह कर लैनी, मैं कहना कि सोने ते सुहागे वाली गल है। सुवीर बाल दिवस मनाउण दे प्रधानमंत्री दे फैसले दे उत्ते हुण एतराज जिहड़ा शुरू हो चुका है। एसजीपीसी दे प्रधान तो बाद हुण तखत श्री अकाल तखत साहिब दे जथेदार हुणां ने भी पीएम दे फैसले ते सवाल चुके ने और आख्या कि साफ तौर ते कि यह शब्द जिहड़ा है सिख भावनावां दी तर्जमानी नहीं करता, अजिहे फैसले लैण तो पहला सिख संस्थावां नूं पुछणा जरूरी है। दस दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने खास जिहड़ा ऐलान किया सी और वीर बाल दिवस मनाउण दा जिहड़ा फैसला लिया सी और बीते दिन ही ऐलान किया गया सी प्रधानमंत्री मोदी दे वल्लों और जिस तों बाद हुण एसजीपीसी दे प्रधान तों बाद तखत श्री अकाल तखत साहिब दे जथेदार ने भी इस फैसले दे उत्ते सवाल चुके ने और आख्या गया कि जेकर अजिहे फैसले लैणे हुण तां उस तों पहला सिख संस्थावां तों दे नाल विचार चर्चा की जाए, उन्हां तों पुछया जाए और पूछना जरूरी भी है और हुण इस फैसले दे उत्ते सवाल उठने शुरू हो चुके ने। दस दिए कि दशम पिता श्री गुरु गोबिंद साहिब जी दे प्रकाश उत्सव दे मौके दे उत्ते एक वड्डा ऐलान किया गया सी प्रधानमंत्री मोदी दे वल्लों, जानकारी दित्ती गई सी और ट्वीट करके वीर बाल दिवस मनाउण दे प्रधानमंत्री दे फैसले तो बाद ये इतराज उठना शुरू हो चुके हैं। एसजीपीसी दे प्रधान ने इतराज किया तो हुण तखत श्री अकाल तखत साहिब दे जथेदार हुणा ने भी इस उत्ते सवाल चुके ने। बीते दिन ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस उत्ते ट्वीट करके जानकारी दित्ती सी और इस दिन नूं खास तौर ते वीर बाल दिवस दे रूप में मनाउण दी जिहड़ी गल आखी गई सी जिस तों बाद चों इतराज जिहड़ा चुक्किया गया एसजीपीसी प्रधान दे वल्लों और हुण श्री अकाल तखत साहिब दे जथेदार हुणां वल्लों। उत्थे ही प्रधानमंत्री मोदी दे वल्लों 26 दिसंबर नूं वीर बाल दिवस दे वजों मनाए जाण दा ऐलान तां कीता गया ते इस ऐलान दा अकाली दल दे आगू महेश सुंदर सिंह गरेवाल ने फैसले दी शलाघा भी कीती है। गरेवाल ने कहा है कि आगामी विधानसभा चोणां दे विच मुख्यमंत्री बनन दी दौड़ लगी हुई है पर बंदा मुख्यमंत्री बनना चाहुंदा है। जिथे पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने अपने बच्चे शहीद करने लिए अपने हत्थी धोए ते ए भी मेरा ख्याल बेमिसाल इतिहास होगा शायद कि 5-7 साल ते 9 साल के यंग अवस्था के बच्चे धर्म प्रति वचनबद्ध ते जालम दे अगे चुकणों इनकार करने वाला इतों वड्डा इतिहास कोई नहीं हो सकता। तो चलो मैं समझदा कि जिहड़ी प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया हैगा ये ठीक है कि उन्हां दी शहादत नूं कबूल करता पर शहादत जिनी वड्डी है उहदे मुकाबले उड्डी वड्डी रेकोगनीशन नहीं, पर चलो फिर भी कह सकते हैं कि एक चंगा फैसला है। उत्थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों 26 दिसंबर नूं वीर बाल दिवस दे रूप विच मनाउण दा फैसला कीता गया जिसनूं लैके जिथे सिख संगत ने खुशी जाहिर कीती उत्थे ही श्री आनंदपुर साहिब तों एसजीपीसी मैंबर अमरजीत सिंह चावला ने इस फैसले नूं इतिहासक फैसला दसदिया होया कहा कि अदुती शहादत नूं देखदिया होया प्रधानमंत्री दा यह फैसला इतिहासक फैसला है।
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वालों साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पुरब के मौके पर एक बड़ा इतिहासक फैसला लिया है, जो उन्होंने साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के छोटे साहबजादियों की अदुत्ती कुरबानी को मुख रख के एक बड़ा वड्डा उन्होंने ऐलान किया, जो 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाने का उन्होंने फैसला किया। मैं समझदा कि बहुत ही शलाघायोग फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों हर साल 26 दिसंबर नूं वीर बाल दिवस दे रूप विचों मनाउण दा ऐलान कीता गया, जिस तों बाद मानसा दे विच सिख संगतां ने प्रधानमंत्री मोदी दा धन्नवाद करदे इस फैसले दा तहि दिल तों स्वागत कीता है। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜੋ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਰਜੋਰ ਮੰਗ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ।